जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट में आ गई ठीक उस दिन ये बाबा मोदी अमित शाह किस जगह जाएंगे, कौन सी कोठरी में जाएंगे सीतापुर और कौन सी जेल में जाएंगे फिर देखना। अभी ये मुकेश अंबानी के औलाद हैं, इन्हें महंगाई देखी नहीं रही। ये मुकेश अंबानी के औलाद हैं, अभी लाखों करोड़ रुपए का गिफ्ट दे देंगे अपनी बीवी को और कुछ नहीं, महंगाई है। आप ये बताओ आपको महंगाई लग रही है? लग रही है तो आप दल रहे हो। लगने की क्या बात है, महंगाई तो है, आप दल रहे हो। अब यहाँ विरोधी आ जाए, नहीं कांग्रेस बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया है, 50 साल देखे देख तो लिया, बढ़िया होते मोदी जी को क्यों लाते हम। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी जी आएंगे या जाए? मोदी जी आएंगे, बहुमत में आएंगे, 350 लाएंगे। राहुल गांधी पूरा देख ले, इंडिया गठबंधन बना लिया, नहीं आने देना इस बार। सब गए, कमलनाथ क्या बोलता है कलेश को, चलेगा गठबंधन? चल तो रहा है गठबंधन, कहाँ चल रहा है? स्टेट में हमने नहीं किया, सेंट्रल में कर रखा है। अरे कमलनाथ कुछ और बोल रहे हैं, टूटता बच गया वो। खड़गे कुछ और बोल रहे हैं, खड़गे कुछ और बोल रहे हैं, कमलनाथ कुछ और बोल रहे हैं। अशोक गहलोत बेटा देखो ईडी में है, अभी कल ही परसों पूछताछ की गई उससे। ये सब आ रहे हैं, हम कांग्रेस को 50 साल दे दिए, क्या किया तुमने? अब यहाँ विरोधी आ जाए, नहीं कांग्रेस बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया है, 50 साल देके देख तो लिया, बढ़िया होते मोदी जी को क्यों लाते हम। अब लोग बोल रहा है कि भाई विषय भी त्रस्त हो चुका है महंगाई से, अब विषय भी बदलना है। कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं लग रही ना, कमाल है, महंगाई नहीं होती तो आप बाइक पे होते, साइकिल पे चल रहे हैं। अरे भैया मैं पैदल चल रहा था, साइकिल पे आ गया, तब तो आपके लिए नहीं। मैं पैदल होगी, सिस्टम सही होगा, महंगाई तब तो आपके लिए विकास हुआ। देखो महंगाई है नहीं, 1400 रुपए की नौकरी करता था, 1400 रुपए जब भी हमें 700-800 रुपए बचता था खा पी के, आज हम 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, जब भी हमारे 6,000 बज रहे हैं। तो जनता बेवकूफ है जो चिल्ला रहा महंगाई महंगाई, उनको कैसे? जनता नहीं चिल्ला रही, दल्ले चिल्ला रहे हैं, दल्ले। अच्छा दल्ले, जनता नहीं चिल्ला रहा महंगाई, चिल्ला रहा दल्ले। देखो भाई आपको क्या लग रहा है? ये मुकेश अंबानी के औलाद हैं, इन्हें महंगाई देखी नहीं रही। ये मुकेश अंबानी के औलाद हैं, अभी लाखों करोड़ रुपए का गिफ्ट दे देंगे अपनी बीवी को और कुछ नहीं, महंगाई है ही नहीं। बीवी को देना भी चाहिए, लाखों करोड़ों का दे दोगे ना? पूरी जिंदगी दे रखी है यार, उसी के लिए जा रहा हूँ, उसी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा और उसी के लिए वोट दे दोगे मोदी को? उसी के लिए वोट दे दोगे मोदी को? के लिए काम के लिए, सत्यानाश जो सही देश चला सके उसके लिए। अच्छा सही देश चलाया मोदी ने? मोदी ने कैसे? आप ये बताओ आपको महंगाई लग रही है? लग रही है तो आप दल रहे हो। लगने की क्या बात है, महंगाई तो है, आप दल रहे हो। भैया को तो नहीं लग रही है? अब देखो ना, मैंने क्या कहा था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक अब ये बजब कुछ बस की नहीं है, उल्लू बना रहे हो, अब होगा क्या? तुम्हारे तुम्हारी बात सुनो, तुम्हारा 10,000 का है, हमारा 1,000 रुपए का है। तुम मास्टर हो गए, टेलर हो गए, बाबू हो गए, मैं हेल्पर हूँ, ठीक। महंगाई है, कैसे महंगाई है? खाओ खाओ खाना निकाल रहा हूँ, ब्लैक मनी क्या नहीं निकलता, गड्डी निकालना बैग में से, हेल्पर नौकरी लेके जाना, ब्लैक मनी तो नहीं है। खाओ खाना सीखो, ये बिस्लेरी की बोतल है, खाना सीखो ना, महंगाई महंगाई जी लो, किस बात की महंगाई, खाना क्यों देख रहे हो? 500 रुपए किलो मिठाई लेके जा रहा हूँ, रोटी लेके जा रहा हूँ, दाल लेके जा रहा हूँ, कड़ी लेके जा रहा हूँ, क्या खाऊंगा? जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ये चीजें सस्ती चाहिए, सस्ती सस्ती महंगी नहीं है यार भैया, जीने के लिए महंगी चीजें चाहिए क्या? अच्छा एक बात बताइए, इधर सुनिए, आप रखे हुए 1,000 का मोबाइल, आपको सस्ता लग रहा है सब कुछ, वो 30,000 का 60,000 का मोबाइल रखा है, उसको महंगाई क्यों लग रही है? भैया एक बात बता दूं, एक बात सुनो, हमारे रामपुर में चले जाओ, हमारे रामपुर में आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, 100 रुपए में जमीन खरीदी थी, 100 रुपए में, और आज बाबा ले रहा तो गुड़ा गलत क्या कर रहा है? पढ़ाया किसको, पढ़ा किसको रहा उसमें, किसको पढ़ा रहा, किसी को नहीं पढ़ा रहा, कहाँ पढ़ाएगा? अब तो सीतापुर में पढ़ेगा, मैं सोचा बकरी बकरी बेटा अब्दुल्ला हरदोई में पढ़ेगा, और क्या पढ़ते रहो ये सब। इनको देश लूटने को नहीं मिल रहा, गरीब आदमी की जेब काटने को नहीं मिल रही, कांग्रेसियों को ना, हाँ इसलिए इसलिए मतलब मोदी खराब है। लुटेरे का साथ दोगे आप लोग? मैं बताता हूँ, लूटने वाले, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट में आ गई ठीक, उस दिन ये बाबा मोदी अमित शाह किस जगह जाएंगे, कौन सी कोठरी में जाएंगे सीतापुर और कौन सी जेल में जाएंगे फिर देखना। अभी तो सत्ता में है ठीक है, अभी सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं, सही को गलत, गलत को सही ठीक, और कर रहे हैं। दे जाऊंगा नौकरी छोड़ जाऊंगा अगर कांग्रेस जीत, कांग्रेस 10 सीट ला दे, 5 सीट यूपी में ला दे, कांग्रेस लालटेन लेकर, सुनो सुनो तो मैं लालटेन लेकर ढूंढूंगा मैं ठीक है, और साइकिल छोड़ो, मैं मिलूंगा, नहीं मिलोगे, बता दूं 10 सीटें ला दे, साइकिल छोड़ जाऊंगा, और बताओ भाई साहब एड्रेस लिखाओ, इनका साइकिल लेने आऊंगा मैं, इनकी तो गई साइकिल, इनकी तो साइकिल गई,
एड्रेस लिखाओ, इनकी साइकिल गई, तुम साइकिल हार गए, बताओ। लेकिन चला रहे तो अखिलेश का सिंबल प्रमोट कर रहे हैं अखिलेश को। इनका भैया पुराना नाम है चक्रवाहिनी, इसका पुराना नाम है चक्रवाहिनी, साइकिल तो अंग्रेजी नाम हो गया, हिंदी बात करो नाम से। तो हैंडल पे कमल का फूल लगा के अंग्रेजी नाम है, वो भी लगाएंगे, ये सही रहा, वो भी लगाएंगे भैया, समय आने में वो भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और वहाँ भी लगाएंगे। मैंने कहा आप लोग दल्ले हो, उन्होंने कहा मैंने नहीं भाई। अगर आपको महंगाई क्यों दिखती है, अगर आप इतना महंगा महंगा मोबाइल, देखो दलाल का मतलब हो गया एजेंट, ठीक, कांग्रेस के एजेंट, बोलो पैसे वाले, सुनो कांग्रेस के, तो देश की, देश की 80 करोड़ आबादी पर दल ली है, अगर हम दल रहे हैं तो। एक छोटा सा सवाल है, हमारे देश में सबसे पहले हिंदुस्तानियों ने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ क्यों किया था? देश आजाद कराने के लिए। नहीं, जब अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया था, नमक पे टैक्स लगाया, जब अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स, उससे पहले भी होता था, और गांधी जी के टाइम में हुआ था। भाई खाने की चीज में तो नमक सबसे पहले है, पहली बार खाने की पीने की चीजों पे, पहली बार खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ आंदोलन करा था गांधी जी ने। और आज हमें हर चीज के खाने पीने तक पे टैक्स देना पड़ रहा है, वो भी GST, कहाँ तक देगा आदमी, क्यों देगा GST, किस बात के देगा? हम क्या पहले से बिल नहीं दे रहे थे, पहले से टैक्स नहीं जा रहा था? GST कितना परसेंट GST है जी? एक दिन तुम्हारा और सुना था मैं, कितना परसेंट GST है जी? 18% है। किसपे 18%? कौन कौन वस्तु, एक आध वस्तु का नाम तो बताओ। अरे खाने पीने की सारी चीजों पे है, पहनने ओढ़ने से लेकर, पहनने ओढ़ने से लेकर, चलने फिरने से, खाने पीने से लेकर, यूजेबल सामान जितना भी है सब पे GST। वस्तु पे अलग अलग टैक्स है, किस वस्तु पे? उस दिन तो तरीके से दोगे चाचा, वस्तु की बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए, ट्रैक्टर पे कितना टैक्स है, हमारे शरीर पे कितना? सुनो, इस पे ज्यादा होना चाहिए, किस पे कम? टैक्स की बात चल रही है, इस पे ज्यादा होना चाहिए, इस पे ज्यादा भी है, मर्सिडीज पे ज्यादा होना चाहिए या ट्रैक्टर पे ज्यादा होना चाहिए? मर्सिडीज पे ज्यादा होना चाहिए, तो ट्रैक्टर पे ज्यादा? नहीं, मर्सिडीज पे भी ज्यादा होगा। किसानों की कमर क्यों तोड़ी जा रही है? मर्सिडीज पे भी ज्यादा होगा, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से ज्यादा होगा मर्सिडीज पे। कौन कह रहा कि ट्रैक्टर पे ज्यादा है? करते क्या? मैं दुकान चलाता हूँ भाई, किराने की। पढ़े लिखे कितने? पढ़े लिखे 10वीं पास। हाँ जी। पढ़ने से किसने रोका? किसी ने नहीं रोका, बस काम का बोझ था, पारिवारिक मैटर। कौन सा 18 साल पूरा है? हाँ 18 साल पूरा। हाँ, कौन सी पार्टी आ सकती है? चेंज होनी चाहिए ये सरकार। किसको लागे? कोई भी चेंज होनी चाहिए, कोई भी आए चेंज होनी चाहिए। चेंज होकर के बाइडेन थोड़ी ना आएगा, कांग्रेस आनी चाहिए सर, क्योंकि अखिलेश के राज में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता। मानते हैं इस बात? बिल्कुल ठीक है जी। योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी, बस कानून व्यवस्था ठीक कर दी है, और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है आजकल के टाइम पे। 12,000 रुपए आदमी को यहाँ पे नौकरी मिल, काम करने के बाद एक महीने में मिलता है, उसमें से 3,000 रुपए मान लो, क्या कहते हैं भाई, कमरे का किराया हो गया, 2,000 रुपए बच्चों की फीस हो गई जिसके पास 2 बच्चे, सिंपल सी बात है ठीक है। 5,000 गए, 5,000 रुपए खर्च, 1 रुपए नहीं बचता आज के टाइम पे। और कांग्रेस अखिलेश या इससे पहले की किसी की भी सरकार थी, उसमें आदमी 5,000 रुपये अपने सेव कर रहा था, लेकिन हाँ अमीरों के जेब में बच रहे हैं, अमीरों के जेब में सब बच रहे हैं, गरीबों का कुछ नहीं हो रहा है। नॉर्मल क्लास जो है, जो मिडिल क्लास है, उनका कोई फायदा नहीं है। सबका साथ सबके विकास में, आपका विकास नहीं जी, सबका साथ सबके विकास में हमारा कहाँ विकास है? हम तो जितना कमा रहे हैं उतना यूज कर रहे हैं, हमारा कहाँ विकास हो रहा? हमारा तो विकास जब होगा जब हमारे पास सेफ अकाउंट होगा, देश पहुँच गया इकोनॉमी में आगे, और हमारा अकाउंट पड़ा है आधार कार्ड पे। भैया पेट्रोल के रेट पे गाड़ी मेरे चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं उधवाड़ी मेरे पास, पेट्रोल महंगा लग रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, महंगा नहीं है कोई, हमें कोई दिक्कत ना। अब इनके भाई साहब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप ये बताइए पहले कांग्रेस ने पेट्रोल महंगा किया या बीजेपी ने कर रखा? पहले उसमें कितना था, मतलब कांग्रेस में पहले? हाँ कांग्रेस में 65 के आसपास था। उसमें वो क्या था, मतलब जब मनमोहन सिंह थे तो GDP कितनी थी उसमें? 10वें नंबर पे थी। आज किस नंबर पे? आज किस नंबर? 5वें नंबर पे। तो गरीबी का लेके आओगे तुम, उस पर देखोगे ना, मैं सबको दिखा दूंगा तुम। मैं मनमोहन सिंह की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल उन्होंने सस्ता क्यों रखा था? पेट्रोल का रेट कैसे निकलता है? तब बैरल कैसे था, आप बैरल कैसे? पेट्रोल कांग्रेस के टाइम में कैसे था? दो चीज लेके चलते भाई साहब, गरीबी वाला। अब सरकार रईसों की है, ये हाईवे देख रहे हो ये बन गया, लेकिन कॉलोनी की हालत वही है आज भी। आज भी सर के ऊपर ना तार जाते, भाई बताओ तुम्हारे गांव चल के देखे यहाँ ये कराने, ये सरकार अमीरों का है,
जो कि मोदी जी ने गरीबों को 12 करोड़ गरीबों को घर में टॉयलेट बनवा दिया, करीब 5-6 करोड़ लोग। आप दोनों लोग बताइए, दोनों बीजेपी को समर्थन करते हैं? अच्छा अच्छा चुप रहे, हाँ काम से सहमत है, ठीक है। इन्होंने बोला नमक के बारे में, ठीक है, जिस पार्टी ने नमक का मतलब महात्मा गांधी ने किया था तो वो मतलब किसके पार्टी के थे? कांग्रेस के, ठीक है। इनसे बोलते तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेजी था वो सुनते स्थापना करने वाला, पूछो इनसे, बताओ। मुझे नाम नहीं दिले, पता है, एयू होम नाम का इटावा का कलेक्टर था वो, हाँ इटावा का कलेक्टर था वो, उसने स्थापना किया था। और एक चीज और बताओ तुम, ये अंग्रेज अपनी आप यहाँ से भागने के लिए कांग्रेस की स्थापना करेगा? ये धोखा था, धोखा मतलब धोखा एकदम धोखा था, मतलब वो अपने वो स्थापना आजादी की लड़ाई के लिए ये कांग्रेस बनी थी, और एक अंग्रेज जो है यहाँ खुद भागने के लिए वो स्थापना कर, शुरुआत यही शुरुआत है, ये धोखा था, एक धोखा था। और आप दोनों लोग बताइए पेट्रोल का जो रेट निकलता है कैसे निकलता है? मुझे इसके बारे में नहीं पता, ठीक है, क्लियर जवाब में बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको कन्फर्म नहीं होगा कि रेट बढ़ता घटता कैसे। मैंने बोला नहीं पेट्रोल बारे में, तो जो मैं पॉइंट बोला उसके बारे में बोलूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मतलब मैं जिस पॉइंट मैंने बोला नहीं तो वो पॉइंट नहीं पूछ सकते हो, क्यों पढ़ लो आप ये बता बैठते कि अरे ये चैनल तो कांग्रेस ही है, क्यों कांग्रेस हमारा रिश्तेदार है। मैं सबको दिखा दूंगा, बताओ सबको दिखाओ यहाँ पे, अब दिखा भी देखे। पत्रकार का मतलब क्या होता है? वो किसी एक व्यक्ति के मतलब विशेष पे ना वो नाम नहीं करता, ठीक है, सब पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पत्रकार हो ही नहीं, यूट्यूबर हो, ठीक है। अगर पत्रकार का पत्रकार नहीं यूट्यूबर, पत्रकार वो होता है जो गुलामी कर रहा है, बर्सरीज लेके घूम रहा है, वो भी कर रहे हैं ना गुलामी, वो जो बड़ी बड़ी ऑफिस ने सुप्रिया सर कर रहे ना कांग्रेस। अरे सुप्रिया सिनेट कौन है हमारी, हमको नहीं पता, बड़े लोपल उनके बारे में पता नहीं चलेगा, वो भी पहले बैठती थी उसमें, ठीक है भैया। फिल्म सिटी में जो ऑफिस खोल के बैठा है ना वो असली पत्रकार है, ये मर्सरीज लेके घूम पत्रकार है, ये पत्र दिखा रहा हूँ मैं, देखना भाई साहब सबसे सारे चैनल बिके हुए हैं पत्रकारों के सरकार में, वो दिखाते हैं दिन रात और पब्लिक का करते हैं। हमको गाली मत दिया करो, हम पत्रकार चीज का है, गाली मैंने नहीं, पत्र नहीं, पत्रकार हम नहीं है, गाली मैंने दी भैया, पत्रकार हम लोग को एक गाली शब्द लगता है, आप पत्रकार बोल लो तो हम लोग हमको लगता है गाली है। मैं ये कह रहा हूँ महंगाई की, ये लोग महंगाई की रोना रो रहा है, किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी थी? जब सुनो, हाँ बता रहा हूँ, जब अटल जी 2004 में गए थे तो आटा का रेट 9 रुपए था, बात बताइए, एक बात बताइए, सुनिए, 22 रुपए कर दिया, पेट्रोल 34-35 रुपए था, कांग्रेस 2014 तक ये 70-75 रुपए हुआ, तो महंगाई बढ़ा के सिलेंडर 250 में मिल, सुनो जो 250 रुपये सिलेंडर मिल रहा था 2004 में, कांग्रेसियों ने 450 में कर दिया था, पहले बात वो मिलता भी नहीं था, लोग लाइन लगा के 5 बजे भोर में जाके लाइन लंबी लंबी लाइन लगाते थे और सिलेंडर ही खत्म हो जाता था, ठीक है। तो महंगाई बढ़ा के घटा, कौन ऐसी सरकार है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ा है, कोई बता दो। कांग्रेस के सरकार में भाई सब महंगाई नहीं हुई है, क्योंकि देखो उस टाइम पे भी इन्होंने बोला कि दलाली ये है, असली दलाली ये करना है, एक परिवार की दलाली, कांग्रेस ने महंगाई नहीं की, ये कह रहा ना कांग्रेस ने महंगाई नहीं किया, मैंने उदाहरण दिया महंगाई के ऊपर, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब अटल जी थे 2004 में तो आटा 9 रुपए किलो था, जब मनमोहन सिंह गया तो आटा 22 रुपए किलो हो गया, महंगाई बढ़ा के घटा। तेल जो था 36 रुपए था, मनमोहन सिंह 70-74 रुपए करके गया, महंगाई बढ़ा के घटा। खाने का तेल 36-37 रुपए था, हाँ सब्जी का तेल 36-37 रुपए था, मनमोहन सिंह 70-80 रुपए करके गया, महंगाई घटा के बढ़ा है ना। बीजेपी के बीजेपी, अच्छा भैया इधर एक सवाल है मेरा, बस ज्यादा बड़ा लंबा सवाल नहीं है, जवाब दूंगा। चाचा 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 पहले मेरी बात सुनो, अगर चाचा बोले कांग्रेस की सरकार में महंगाई महंगाई इसमें भी है, हमारे साथ कांग्रेस ने अच्छा नहीं करा था, हमने क्या करा उसे चेंज कर दिया। चाचा इधर आओ, हमने क्या करा था कांग्रेस को चेंज कर दिया, जब हमारे साथ उन्होंने अच्छा नहीं करा हमने उसे चेंज कर दिया, अब मोदी जी हमारे साथ में नहीं अच्छा कर रहे हैं, सब की महंगाई कर रखी है, आमदनी इतनी रोजगार है नहीं है, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, तो इसलिए हम 24 में जो भी आएगा हमें मोदी को भी चेंज करेंगे, 24 में जो भी आएगा मोदी को हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज चाहिए, और ये मोदी जी ने वो क्या चाहिए वो प्लाट इस समय जो है, क्या रेट उसका होगा मुझे बताओ, इसमें क्या रेट उसका होगा बताओ, तो जगह के हिसाब से क्यों अभी क्या रेट होगा, अपनी चीज महंगी हो कोई दिक्कत नहीं, जगह के हिसाब से यार अजीब बात नहीं हो भैया, इधर सुनो इधर सुनो,
इधर सुनो, मतलब ये रुको, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इधर सुनो, रुके रुके, टैक्स की बात कर रहे हो, पिक्चर बंदे उस पर टैक्स लगता है, क्यों नहीं लगेगा, ₹1,000 ले रहे हो, उसमें लिंक करवाइए, आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिंक करवाइए, 1,000, और नहीं करवाते तो उसके ₹10,000 अपने आप अकाउंट से कट जाएंगे। बोला ये बात किसने बोला? आप बैंक में जाके पता कर लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बैंक में ड्यूटी करता हूँ मैं। भैया मुद्दा किस चीज का है? इनसे मुद्दा पूछो। क्या मुद्दा? मुद्दा किस पे है? सस्ता है भैया, किस चीज का मुद्दा? किसने बोला पेट्रोल सस्ता है? मुद्दा बताओ, किसने बोला पेट्रोल सस्ता है? मैंने क्या बोला? तुम तो खुद बोलते नहीं यार, सामने क्या बोला? नहीं सामने क्या बोला? किस चीज का है भैया मुद्दा? मुद्दा किस चीज का है? मैंने क्या बोला? भैया जय हिंद, मैं चलता हूँ, ऐसा कांग्रेस कोई आदमी नहीं है। हटो हटो, अरे कहाँ जा रहे हो, रुकिए ना आप। यार ड्यूटी छुड़वाओगे मेरी? नहीं नहीं, ऐसे तो आपका ये करवा के जाएंगे, ऐसे तो ये बीजेपी बीजेपी की बहुत अच्छी बात रख रहे हैं आप, जा रहे हैं क्या मैसेज? हाँ कौन है? रोक अप्पा और क्या? हाँ ठीक है यार, ड्यूटी, अरे ड्यूटी छूट जाएगी भाई, करके जा रहे हो हम करने यार, कितनी महंगाई कम हुई है, अच्छा नौकरी किसी के खतरे में डाल रहे हो यार, तुम्हारा क्या ये सिस्टम है? ये गलत बात, नहीं हमने रोका है, इसमें गलत ऑब्जेक्शन उठा रहे हो आप भाई, हमने रोका है क्या? अगले इंसान की नौकरी क्यों तुम खतरे में डाल रहे हो भाई? अब कैसे क्या हो गया, चढ़ा लियो क्या? जाने दो, चढ़ा लियो क्या? हाँ चढ़ा लिए, साइड हो जाओ, सच्चाई पे रहो। हाँ सच्चाई पे साइड हो जाओ, हमने क्या उसको रोका है क्या? अभी आप नहीं, अभी आप ही लोग रोक रहे थे, आप ही लोग की बात मत करो, आप ही लोग नहीं रोके, हम नहीं रोके, आप ही लोग की बात करो, बस काय कर रहे हो यार, तो लोग उसकी कहाँ चली गई नौकरी? बोलो भैया, आया हो तो भैया साइड हो जाओ, छोड़ दो, अब दूसरे को पकड़ो क्या भैया? हाँ क्या पेट्रोल एक, अरे पहले बात सुनो यार, पहले कितना पहले कितना था कांग्रेस में, पहले कितना था उसमें कांग्रेस में, पहले कितना था उसमें कांग्रेस में बताओ पहले क्या बोला? हाँ वहाँ जान सब जानकारी रहती है।